गुजरात के विधानसभा चुनाव इस वक्त पूरे देश का सबसे गर्मा गर्म राजनीतिक मसाला है। चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है और पूरा माहौल ऐसा गजब का हो गया है जैसे किसी फिल्म में थ्रिल और सस्पेंस वाला क्लाइमेक्स चल रहा हो। और क्लाइमेक्स के इसी दौर में बीजेपी का एक स्टार गायब है। गुजरात में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पार्टी के भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल है। मतदान की तारीखें बेहद करीब आ चुकी हैं, लेकिन अब तक आडवाणी जी पूरे चुनाव प्रचार में कहीं भी नजर नहीं आए हैं। गुजरात में बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर हालात इतने आसान भी नहीं है। ऐसे में जब पार्टी को शिद्दत से अपने पितामह की जरूरत थी और जब उनका नाम भी स्टार कैंपेनर की लिस्ट में था, फिर भी आडवाणी जी गुमशुदा हैं। आडवाणी की ये गुमशुदगी कई सवाल भी खड़े करती है। पहला सवाल तो ये कि क्या गुजरात का माहौल देखकर आडवाणी जी के दिमाग में फिलहाल प्रचार की जगह कुछ और ही चल रहा है? क्या बीजेपी का स्टार गुजरात में अंधेरा होने का इंतजार कर रहा है? बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आडवाणी का नाम प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर है। पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम रणबांकुरे मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। बीजेपी पहली बार प्रदेश में अपनी हालत को लेकर सशंकित भी है। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से हैं और खुद आडवाणी भी गुजरात से हैं, लेकिन पार्टी की हालत पतली होने के बावजूद आडवाणी का सामने न आना बहुत कुछ कह जाता है। दरअसल बीजेपी आज सत्ता के जिस शिखर पर बैठी है, वहां तक पार्टी को पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी का सबसे बड़ा योगदान है। वो न सिर्फ बीजेपी के फाउंडर मेंबर हैं, बल्कि 19 सालों से गुजरात की गांधीनगर सीट का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुखर होने के बाद और नरेंद्र मोदी के मुखिया बनने के बाद आडवाणी जैसे हाशिए पर चले गए हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं वजहों से आडवाणी ने भी इस बार गुजरात चुनाव से पूरी तरह दूरी बना रखी है। भीष्म पितामह की ये नाराजगी राजनीतिक तौर पर तो फिलहाल पार्टी पर भारी नहीं पड़ने वाली, लेकिन अगर गुजरात के चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बदतर होता है तो फिर आडवाणी की इसी नाराजगी को पार्टी के अंदर से कई आवाजों का समर्थन मिलने लगेगा और तब बीजेपी के हालात वाकई मुश्किल होंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।